हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूंडई क्रेटा का रिमोट स्टार्ट स्टॉप बटन के फीचर और उसकी लिमिटेशंस और काफी सारी चीजों के बारे में। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। अब हम सबको पता है कि ह्यूंडई क्रेटा में आता है रिमोट स्टार्ट स्टॉप फीचर। अब देखिये, लोगों को लगता है कि बस हमने ये वाला बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको एक बार लॉक बटन प्रेस करना होगा। एक बार गाड़ी को लॉक करिए और फिर आप इसको दबाइए। आपका इंडिकेटर 3 बार ब्लिंक होगा, 1, 2, 3, और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है इसको स्टार्ट करने का। एक तरीका क्या, यही तरीका है इसको स्टार्ट करने का। देन वापस से इसको अगर आप इसी बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये तो हो गया फीचर के बारे में बात। अब इसकी लिमिटेशन फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। अब देखिए, जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये फीचर इसलिए दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपको गाड़ी, आपको 5 मिनट बाद बैठना है तो आप गाड़ी अपनी ठंडी कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आपकी गाड़ी में पहले से एसी ऑन नहीं है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी आपकी गाड़ी में एसी ऑन नहीं होगा। ये एक बहुत ही पता नहीं मतलब क्यों किया है ह्यूंडई वालों ने, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज तो इनको कर ही देनी चाहिए थी। अगर आप रिमोटली स्टार्ट करवा रहे हो गाड़ी को तो एटलीस्ट एसी तो इसका ऑन करवा ही देते कि ऑटोमेटिकली 18 पे, 20 पे या 24 पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उतने पे ये हो जाए। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप गाड़ी में बैठो और आपको गाड़ी ठंडी मिले, तो जब आप गाड़ी बंद करो तो आप अपना एसी ऑन करके ही गाड़ी को बंद करो, तभी आपकी गाड़ी ठंडी मिलेगी, वरना आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूल वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। देन इसके बाद अगली लिमिटेशन, जो आपकी गाड़ी ये रिमोटली स्टार्ट स्टॉप होती है ना, अब ये दो सिचुएशन में स्टार्ट नहीं होगी। पहली सिचुएशन, अगर आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लगा है और हैंड ब्रेक भी, और जो आपका हैंड ब्रेक है वो भी पूरा ऊपर तक खिंचा होना चाहिए। अगर आपने कहीं बीच में अगर इसको रखा है तो ये स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरा, अगर आपकी गाड़ी गियर में है तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैं अगर आपको करके दिखाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने गियर में डाल दी गाड़ी एंड मैंने इसको लॉक करा एंड मैंने ये बटन दबाया, 1, 2, नहीं देखिए 3 बार ब्लिंक की बट ये स्टार्ट नहीं हुई। तो ये एक और चीज है कि आप इसको ध्यान रखिए कि आप गाड़ी गियर में ना खड़ी करें, क्योंकि बहुत लोग की आदत होती है ना कि हैंड ब्रेक लगाया और फिर गियर भी लगा दिया, तो वो अगर आपकी आदत है तो भी आपको गाड़ी ठंडी नहीं मिलेगी। और एक अच्छी बात इसके बारे में ये है कि ह्यूंडई क्रेटा में ये मैनुअल गाड़ी में भी मिलता है। सेल्टॉस में भी आता है ये फीचर, बट वो सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलता है। ह्यूंडई में आपको मैनुअल गाड़ी में भी मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।